बिहार भर से जो है अमीन जो है पटना पहुंचे हैं और अंग नंग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इतनी तपिश वाली गर्मी में कहीं ना कहीं अपने बदन से कपड़ा खोलकर सड़कों पर आ गए हैं और कार्यालय के सामने ही जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पर सरकारी भवन के पास जो है अंग नंग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिहार भर से अमीन हैं कह सकते हैं। हाथों में तिरंगा और कपड़े सर जो है बदन से उतार चुके हैं। इतनी तपिश वाली गर्मी है, 44 डिग्री 43 डिग्री तापमान है और उस बीच जो है सड़कों पर आकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है इतनी तपिश में? सर मुख्य वजह क्या है कि 2019 में जो है सर्वे के कार्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये ब्रांच जो आपको पीछे दिख रहा है, इसका नाम है भू अभिलेख परिमाप निदेशालय, जिसके डायरेक्टर है जय सिंह। इनके द्वारा 6875 पदों पर बहाली आया था, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन था, विशेष सर्वेक्षण क्लर्क था, बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी था और एक हम सभी एकानुगो भी थे। एक हम सभी का 550 छोटा पद था अमीन का, जिसकी बहाली हुई थी। लगभग 4 वर्ष काम करवाने के बाद आज एक फरमान इनके द्वारा जारी कर दिया जाता है 13 जून को कि इनसे सभी डीएम को, पूरे बिहार के डीएम को, कि इनसे कार्य नहीं लिया जाए 4 वर्ष पूर जाने के बाद। 4 वर्ष पूरा कर लेने के बाद, जबकि सर्वे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप जान रहे बढ़िया से, बहुत अच्छे से जान रहे, सर्वे कम्प्लीट नहीं हुआ है। और एक तरफ से ये पूरे न्यूज में विज्ञापन में छपवा रहे हैं कि 10,000 अमीन की बहाली आ रही है। 10,000 बताइए, 10,000 अमीन जो आएगी उससे तो हम ज्यादा दक्ष हैं ना, क्योंकि हम 4 वर्ष काम किए हैं और सेवा किए हैं, पब्लिक को झेले हैं और आज इनके द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है। और इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देना चाहेंगे, दोष देना चाहेंगे कुछ आईएएस ऑफिसर को, जैसे निदेशक महोदय हैं, आखिर सर्वे खत्म नहीं हुआ, विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, तो आप 14 जून को क्या करते हैं 6875 पदों में? देखिए इनका चालाकी देखिए क्या करते हैं, और जब कैबिनेट का बैठक होता है तो सिर्फ अमीन 550 पद को उसमें से निकाल दिया जाता है और सभी बाकी पदों को जो है एक्सटेंशन करवा दिया जाता है। इन्हें आप हमको निकाल दिए, पैसे नहीं आप स्वीकृत करवाए तो आप हमको पेमेंट कहाँ से दीजिएगा? और एक तरफ चिट्ठी निकाल रहे हैं कि इनसे कार्य नहीं लेना है, यानी आप रोड पे खड़ा कर दिए 4 वर्ष काम करवा लेने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये अमीन किसी लायक का नहीं है, यही ना कह रहे हैं? और एक तरफ विज्ञापन दे रहे हैं इस विभाग में इतने पद, इस विभाग में इतने पद, और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वचन दे के आए हैं चुनाव प्रचार में कि 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक विधानसभा 25 में वोट नहीं मांगेंगे। ये कैसा औचित्य है? आप एक तरफ निकाल रहे हैं और एक तरफ विज्ञापन दे रहे हैं कि आओ हम इतने को नौकरी दे रहे हैं। और हमारी मांग है, हमारा जो बहाली हुआ था जब तक सर्वे चले तब तक के लिए हुई थी, और इनको क्या मानसिकता ऐसा है, हम क्या दुश्मनी किए हैं इनसे कि सिर्फ 6875 पदों में मात्र एक जो है अमीन पे लगे हुए हैं और अमीन के पदों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। 550 हम लोग हैं, जिसमें अभी 400 हैं, बाकी कुछ में टीचर उचर में हो गया तो वो चले गए हैं, कुछ एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 2/19 विज्ञापन के आधार पर 6875 का बहाली हुई थी सर्वे काम के लिए, उसमें 550 अमीन को भी बहाल किया गया है और हम लोग पूरे बिहार के 534 अंचल में जिस समय में बहाली हुई थी उस समय में अमीन लोग नहीं था, तो हम लोगों को सर्वे कार्यालय से अंचल में भेजा गया था। अब अंचल में अमीन अगर विभाग भेज दिया है तो हम लोगों को पुनः सर्वे कार्यालय भेजते हुए सर्वे जो चल रहा है पूरे बिहार के अंदर उसमें हम लोगों को काम दे ताकि हम लोग काम करेंगे। क्योंकि तो दावा कर रही 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, सृजन करेंगे, तभी बाजी है, ये हवाबाजी है सरकार की, सात निशे योजना सरकार की, नीतीश कुमार गलत है। हम लोग एक साथ गलत है, कोर्ट में खुद रह के कोर्ट में हम खुद खड़ा होके डिस्पोज कराए हैं। डीएम सर पर 5,000 पेनल्टी लगने वाला था, उस पेनल्टी को हमने कुछ 10 साहब को बोला है सर ये गलत रिपोर्ट है, हम जो नापी करके दिए है वो सही रिपोर्ट है। अगर हम लोग दक्ष नहीं है, सरकार ने ही हम लोगों को भेजा है अंचल में, सरकार क्यों भेजा अंचल में? सर्वे में ही भेजे, जहां भेजे वहां हम लोग काम करेंगे। ये जय सिंह का गलत नीति है। बड़े अधिकारी आप लोगों से आकर बातचीत किया? नहीं, कोई अभी नहीं है, देखिए गेट बंद है, हम लोग धूप में यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जो हम लोग का जो बहाली हुआ था विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए किया गया था, लेकिन ये सरकार की मजबूरी रही कि हम लोग को अंचल में भेजा गया। सरकार मजबूरी क्या नहीं, जय सिंह की मजबूरी है, हम लोग को जय सिंह भ्रष्ट करके छोड़ दिया है। जय सिंह बोलते हटो, किस आधार पर गजट निकाला है वो लोग? कोई कारण नहीं दिया गया, गजट निकाल के बोल दिया कि 15 तारीख से काम गजट भाई विज्ञापन
हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बाल बच्चा आईएएस का किधर जाए, हम लोग परीक्षा एक बार होता है। देखिए यहाँ गेट बंद कर दिया गया है, हम सबको परीक्षा लिया गया ऑफलाइन। हम लोग को अंचल अमीन के पद पर जो है कार्यरत कराया गया। अंचल में अभी भी सीट खाली है, 1767 में अभी भी जो है सब लोग ज्वाइन नहीं किए, 1200 के आसपास ही ज्वाइन किए हैं और सीट अभी भी खाली है वहाँ। उसके बाद भी हम लोग को हटा दिया गया। सरकार एक तरफ से पत्र निकालती है कि जहाँ संविदा अमीन है सीट अगर खाली है तो संविदा अमीन को रखा जाएगा। जब सरकार तो रोजगार की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है तो हम लोग को रोड पर ला दी, तो रोजगार कहाँ दे रही है, रोजगार से हटाने की बात कर रही है। और सरकार के पास वस्तुस्थिति भी है, सीट एक पूरे भारत में फैलाई है, हम लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं, सरकार गलत बोलती है। सरकार ने अभी पत्र निकाला है कि संविदा अमीन को रखा जाएगा जहाँ सीट खाली है और उसके बाद भी हम लोग को हटा दिया जाता है। चलिए महिलाओं से भी कुछ बात कर लेते हैं, जानकारी क्या कहेंगे आप लोग, सड़कों पर आ गई हैं इतने पिछले वाली धूप में। सड़क पे तो सरकार ने ला के रख दिया है, पदाधिकारी ने ला के रख दिए हैं। क्या कहा जा रहा है, उनको तो सुनना चाहिए। एक तरफ कह रही है कि महिला को आगे बढ़ाए रहे हैं, एक तरफ महिला को लात मार के निकाला जा रहा है। ये कौन सा नियम कानून, हम तो हमको भी समझ से बाहर है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहते हैं कि महोदय आपसे विनती हम कर रहे हैं कि आपके समाज के राज्य के बेटी है और बेटी को दर दर ठुकराइए मत। अगर महिला है हम कमजोर नहीं, अगर अत्याचार कितना अत्याचार सहेंगे, हम अत्याचार सहते सहते थक गए हैं, अब नहीं सह पाएंगे। अगर बेटी सब कुछ कर सकती है, घर संभाल सकती है, नापी संभालते, इतना विवाद खत्म करते हैं तो अपना लिए कुछ भी हम करेंगे। अगर मेरे साथ कुछ भी अहित होता है इसके पूरे पूरी जिम्मेवार आप होंगे, आपने लाके हम नहीं कुछ कर।